नमस्कार, इवन तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार नहीं हो रही कम। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8 करोड़ के पार। अब तक 17,56,000 से ज्यादा संक्रमितों ने गंवाई जान। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास अभी भी जारी। करीब 5,64,00,000 से अधिक संक्रमित हुए स्वस्थ। 2 करोड़ से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने ली कोरोना वैक्सीन। 5,00,000 लोगों ने वैक्सीन के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। सऊदी अरब में लगातार आ रहे हैं कोरोना के मामले सामने। दाऊद इब्राहिम के भतीजे की कोरोना से मौत। सिराज कास्कर की कराची में कोरोना से मौत। सिराज कास्कर दाऊद के बड़े भाई साबिर कास्कर का था बेटा। भारत में पहले से धीमी हुई कोरोना की रफ्तार। हालांकि भारत में 1 करोड़ के पार हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के करीब। भारत में अब तक 97,00,000 से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। देशभर में कोरोना के अब 2,81,000 से अधिक एक्टिव केसेस। 24 घंटे में 22,272 कोरोना के नए पॉजिटिव। राजस्थान में कोरोना की धीमी पड़ी रफ्तार। 3,00,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 2,500 के पार हुई मृतकों की संख्या। अंतिम चरण में पहुंची कोरोना वैक्सीन की तैयारी। 4 राज्यों में 28-29 को पूर्वाभ्यास करें कि सरकार। भारत में अभी तक नहीं मिली इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत। जम्मू कश्मीर को फ्री इलाज वाली आयुष्मान योजना का तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया शुभारंभ। हर परिवार को मिलेगा 5,00,000 का बीमा। मिशन पूर्वोत्तर पर गृह मंत्री अमित शाह। 3 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे शाह। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने किया स्वागत। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी। 28 दिसंबर को विधानसभा में पेश होगा प्रस्ताव। 10 साल की सजा और 1,00,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। किसान आंदोलन को लेकर साधा निशाना। कहा मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। दिल्ली के बॉर्डर पर 31वें दिन भी डटे किसान। सरकार की चिट्ठी पर संयुक्त मोर्चा की बैठक। तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर करार। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 31वां दिन। अलवर के शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर आंदोलन हुआ तेज। दिल्ली जयपुर हाईवे पूरी तरह बंद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़। शोपियां में आतंकी का एनकाउंटर। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी घायल। जम्मू पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। 2 लोगों के पास से AK-47 समेत कई हथियार किए बरामद। मलयालम सिनेमा के जाने माने एक्टर अनिल की मौत। अनिल की पानी में डूबने से हुई मौत। रिजवायर में नहाते समय हुआ हादसा। राष्ट्रीय कवि माधव दरक का निधन। 86 वर्ष की उम्र में हुआ कवि माधव दरक का निधन। एडम हारो राजस्थान कविता के रचयिता थे माधव। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई में अमेजॉन ऑफिस में की तोड़फोड़। अमेजॉन ऐप में मराठी भाषा को शामिल करने की मांग। अमेजॉन ने दायर किया है एमएनएस के खिलाफ केस। यूपी के हापुड़ में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन। पुलिस क्षेत्राधिकारी रूपाली राय के नेतृत्व में हुआ आयोजन। छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर दी प्रस्तुति। यूपी के हापुड़ में मंत्री पीयूष गोयल का स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। भाजपा सदर विधायक भी रहे उपस्थित। यूपी के आगरा में जुए के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी। 96,000 की नकदी के साथ 3 जुआरी गिरफ्तार। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के नगला बैर में की गई कार्रवाई। अभी ठंड से राहत नहीं, मैदानी इलाकों में और गिरेगा तापमान। माउंट आबू में लगातार 11वें दिन जमी बर्फ। कोहरे को लेकर रेलवे का बड़ा कदम। हर साल कोरोना के चलते ट्रेनों के संचालन में होती है देरी। साल रेलवे ने किया कोहरे को लेकर एक विशेष प्रबंध। लोको पायलट दल को दिया जाएगा फॉक्स सेफ्टी डिवाइस। डिवाइस ऑन होने के बाद जीपीएस पर करेगा काम। डिवाइस लोको पायलट को बताएगा सिग्नलों की स्थिति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक सरदार उधम सिंह को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए उन्होंने सर्वोच्च किया बलिदान। मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला। मंत्रियों को जनता के लिए दरवाजे खुले रखने के निर्देश। रोजाना सुबह 9 से 11 बजे तक जनसुनवाई के दिए निर्देश। पत्रकारों के लिए राज्य सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान राशि में किया इजाफा। 5,000 की जगह अब 10,000 रुपए मिलेंगे प्रतिमाह। वेतनभोगी गैर अस्वीकृत पत्रकारों को मिलेगी मेडिकल डायरी। गंभीर बीमारियों पर आर्थिक सहायता की जाएगी प्रदान। जरूरी होने पर इलाज के लिए दी जाएगी 1,00,000 रुपए तक की एकमुश्त सहायता। डूंगरपुर में निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। नगर परिषद चुनाव के संबंध में भाजपा की बैठक। राज्यसभा सांसद सहित कई नेता साथ रहे उपस्थित। चौक निवाई में एबीवीपी का 66वां अधिवेशन आयोजन। नगर इकाई की ओर से हुआ आयोजन। राष्ट्रीय स्तरीय अधिवेशन से जुड़े कार्यकर्ता।
झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार का बचकाना बयान, कहा बेटा बहू बदमाशी करता है तो चुनाव लड़वा दो, चुनाव लड़ेगा वोट मांगेगा तो अपने आप सुधर जाएगा। कोटा में आपसी कहासुनी को लेकर किशोर की हत्या, बदमाशों ने 3 नाबालिग लड़कों पर किया हमला, 2 नाबालिग लड़कों का इलाज जारी। बीकानेर के खाजूवाला में मुंह भोले भाई के साथ मिलकर महिला ने की प्रेमी की हत्या, कंबल में लपेट कर शव को IGNP नहर में फेंका, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया राउंडअप। पाली की देसुरी में नवजात का शव मिलने से फैली सनसनी, अड़ेवा गांव में मिला नवजात का शव, मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। उदयपुर के झाड़ोल में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित होकर खड्डे में गिरी जीप, हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। बारा के शाहबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर हुआ हादसा, तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में कार सवार 3 लोग हुए घायल। भीलवाड़ा की भीमगंज थाना पुलिस की कार्रवाई, चश्मे की दुकान से 2 लाख रुपए की चोरी का किया खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। चाकसू के शिवदासपुरा में टैक्सी चालक पर फायरिंग, अज्ञात बदमाशों ने की फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटे पुलिस। झुंझुनू के खिरौड़ में जमीनी विवाद को लेकर पक्षों में मारपीट, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, नवलगढ़ थाने में दर्ज हुई रिपोर्ट। पाली में रोडवेज परिचालकों से मारपीट, बसों में सामग्री बेचने वाले युवकों ने की मारपीट, ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस कर रही है मामले की जांच। चित्तौड़गढ़ में हिंदुस्तान जिंक के गैस रिसाव के विरोध में प्रदर्शन, आंखों में जलन, जी मिचलाना, सांस लेने में तकलीफ की आई शिकायतें, महिलाओं ने किया प्रदर्शन। श्रीगंगानगर के श्रीविजयनगर में ब्लैकमेलर गैंग का खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, पूछताछ में हो सकता है बड़ा खुलासा। सिरोही के शिवगंज में अवैध बजरी खनन का सिलसिला जारी, जवाई नदी पर बजरी का हो रहा परिवहन, पुलिस प्रशासन बना रहा मूक दर्शक। झालावाड़ के जगमे मेगा हाईवे पर लगे दिशा सूचक बोर्ड बने मुसीबत, वाहन चालकों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना, दिशा सूचक बोर्ड पर है गलत निर्देश। झुंझुनू की उदयपुर वाटी में बुजुर्ग की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर, कुछ दिन पहले भी भूमाफियाओं ने किया कब्जे का प्रयास, अब नगर पालिका ने पीड़ित से वसूला जमीन पर यूडी टैक्स। कोरोना वैक्सीन वितरण को लेकर भीलवाड़ा चिकित्सा विभाग ने पूरी की तैयारियां, 97 जगहों पर बनाए गए कोल्ड स्टोरेज, वैक्सीन लगाने के लिए 55 जगहों को किया चयनित। झुंझुनू में समाजसेवी का सराहनीय कार्य, सामाजिक संस्थानों से मिलकर बांटे 50,000 3-लेयर मास्क, 15 दिनों में बंटवा चुके हैं करीब 3,000 कंबल। झुंझुनू के जुड़ावा कस्बे में खुला पहला ब्लड बैंक, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने किया शुभारंभ, कहा थैलेसीमिया के बच्चों के लिए निःशुल्क रहेगा ब्लड उपलब्ध। झुंझुनू में यातायात नियमों को तोड़ना पड़ेगा भारी, SP JC शर्मा शुरू करेंगे एक विशेष अभियान, आदर्श ट्रैफिक जोन बनाकर भी होगी कार्रवाई। झुंझुनू में नवलगढ़ प्रधान की मांग, जिले में बने एक गौ अभ्यारण खड़ी फसलों को बर्बाद कर देते हैं बेसहा गौवंश। सीकर के फतेहपुर में गौसेवा, गौवंशों के लिए बनाए गए 3,000 किलो लड्डू, सर्दी के मौसम में मिलेगी राहत। डूंगरपुर में हेड कांस्टेबल के लिए परीक्षा का आयोजन, 19 पदों के लिए 114 कांस्टेबलों ने की परीक्षा, गाइडलाइंस का किया गया पालन। सिरोही के माउंट आबू में न्यूनतम तापमान में हुई वृद्धि, 2.0 सेल्सियस दर्ज हुआ न्यूनतम तापमान, सैलानियों में मायूसी। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।